बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक, फाउंडर अल्लामान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। हमारा इदारा जो 25 साल से खिदमत खल्क कर रहा है, एक छोटे मोटे काम कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं खिदमत करने की। तो आज जो है, आज हमारा आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है कि सारे क्लिनिक्स बंद हो चुके थे, कोई डॉक्टर, जनरल फिजिशियंस वगैरह, कोई जो मामूली तबीयत बिगड़ने से है ना, कोई है ना क्लिनिक नहीं था, और जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं थी जनरल चेकअप के वास्ते। तो इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करें, और इसमें है ना बहुत सारे डेथ्स भी हो गए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये सोचते हुए हम लोग है ना ये डिसाइड करें कि ये बहुत बड़ा एरिया है, केजी हंडली, डीजे हंडली लगता है, नागवारा, हेगड़े नगर, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे है ना बहुत लोग परेशान हैं, पैंडमिक के बाद उनके नौकरी चले गई, रोज़गार बंद हो गया, इसमें है ना जो हेल्थ का है इशू ये बहुत कॉस्टली हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक चैरिटेबल क्लिनिक खोलें जो पैंडेमिक में भी काम करे, जब कोई क्लिनिक ना रहे और हॉस्पिटल्स ना एंट्री ना रहे, उस वक्त हमारा क्लिनिक है ना चलता रहे और हम लोग है ना खिदमत करते रहे। ये जो है हर जुम्मेरात के दिन है ना टोटल 100% फ्री है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कंसल्टेशन फ्री रहेगा, मेडिसिन के साथ हम लोग है ना 200 से 300 रुपए तक का मेडिसिन हम लोग है ना उनको देंगे। बाकी के दिन है ना सिर्फ 20 रुपए हम लोग चार्ज करेंगे। वहाँ पे है ना मेडिसिन भी है ना, जो छोटे बुखार, सर्दी वगैरह, खांसी के सिरप वगैरह है ना, हम लोग है ना 20 रुपए में कंसल्टेशन के साथ है ना दवाई वगैरह भी देंगे हम लोग। सर ये खाली एक ही कम्युनिटी के लिए है या सर? ये जो है ना खिदमत खल्क जो है कोई कम्युनिटी के लिए नहीं होता, ये इंसानियत के लिए होता है। जो इंसान है उसके लिए हम लोग है ना कभी भी भेदभाव रिलीजन के बगैर है ना हम लोग है ना ये खिदमत कर रहे हैं, और जो भी हमारे इदारे हैं वो है ना इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ओल्ड एज होम है, ब्लाइंड स्कूल है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, फूड बैंक है, ये सब जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना ये इंसानियत के वास्ते कर रहे हैं ना, कोई भेदभाव इसमें नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है इसमें। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक, फाउंडर चेयरमैन अल्लामान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इंसानियत के काम में मजहब देखना मेरे तरफ से इट इज़ अ गुना, तो हम लोग ना कभी भी मज़हब ना देखें ना देखेंगे। दिस ट्रस्ट सर्व्स ह्यूमैनिटी, इट डजंट सर्व ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और एनीथिंग एल्स, ओनली ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। ठीक है, और दूसरा हम ये फ्री चैरिटेबल क्लिनिक ही कर रहे हैं। अगर कोई लेकिन अगर डोनेशन देना चाहता है लोगों को मदद करने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है डॉक्टर तो फ्री में कंसल्टेशन कर देंगे, लेकिन फिर हम उन लोगों को दवाई भी देना पड़ता है, बिकॉज उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये महंगे महंगे दवाइयाँ खरीद सके। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ, अगर आप लोगों के पास आपके घर में या कहीं पे भी दवाई है एक्स्ट्रा, और यू कैन यू नो रिमूव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फंड्स फॉर मेडिसिन टू हेल्प सच पीपल, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, प्लीज़ आस्क अस व्हाट वी नीड, व्हाट द पीपल नीड, एंड यू कैन प्रोवाइड मेडिसिन ऑल्सो फॉर देम। आपका एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स में से देख रहे हैं आप तक दवाई पहुंचाना है तो किस तरीके से पहुंचा सकते हैं? आपको दवाई पहुंचाना है तो हमारा नीचे स्क्रीन में हमारा नंबर भी रहेगा, फ़ोन नंबर, हमको कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा एड्रेस आता है नंबर 13 थर्ड क्रॉस, गांधी नगर, के जी हल्ली, इट इज़ ऑपोजिट द बैक गेट ऑफ CMA ग्रैंड फंक्शन हॉल। ये आज का जो एक बेहतरीन आज का जो प्रोग्राम और एक आज जो एक बुनियाद डाली गई है यहाँ पर, इससे पहले भी हमारे डॉक्टर फारूक साहब कौम और मिल्लत के हक़ में, इंसानियत के हक़ में, और जहाँ पर भी जब इंसानियत को थोड़ा बहुत कुछ धक्का महसूस हुआ है वहाँ पर इन्होंने जाकर काम किया, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना देने का काम जो है वो काम किया है, और इससे पहले भी इन्होंने देवनहल्ली में एक आर्फनेज ओल्ड एज होम का काम किया है, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इनका काम चल रहा है। मैं कई बार वहाँ पर विज़िट भी करके हूँ,
एक्चुअली मैं इनका एक दिल की गहराइयों से इनका एक बड़ा ही एहसान मंद हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इलाके में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल का बुनियादी तौर पर काम किया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर का काम किया और यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, जहाँ पर कोई कौम और ज़ात पात का यहाँ पर कोई एहतराम नहीं है, सब यहाँ पर आते हैं और सबको यहाँ पर खिदमत जारी है। अब यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल का एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, यहाँ पर ब्लाइंड बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बहुत सारे उम्र रसीदा ब्लाइंड जो नाबीना हजरात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग उनको गरीब बच्चों को या यहाँ पर जो बसते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पर जो बस रहे हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, एजुकेशन प्रोग्राम हो, टेलरिंग का प्रोग्राम हो, सब चीज़ का यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाकर यहाँ पर हर तरह के लोगों को, इंसानियत को, इंसानियत की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। अब उससे ज़्यादा आप सब जानते हैं, देखिए पिछले 2 साल से एक वबा के चलते हुए, कोविड के चलते हुए लोग बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग बहुत ही परेशान हैं। दौरान ये हाल में यहाँ पर लगातार खिदमत को अंजाम दिया गया, राशन को तकसीम किया गया, लोगों को हर बार यहाँ से फ़ायदा पहुँचाने का काम किया गया। डॉक्टर फारूक साहब अलमन ट्रस्ट की जानिब से लगातार ये काम को अंजाम दिया गया। अब उसके बावजूद आप सब जानते हैं लोग ये कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से और प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस सही टाइम पर ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे होते हुए देखा। अब दौरान ये हाल में आज का जो बुनियादी काम है, इन्होंने बहुत सारे तंजीमों को साथ में लेकर, खुसूस लायंस क्लब वालों को साथ में लेकर और भी बहुत सारे एनजीओज को साथ में लेकर यहाँ पर आज मेडिकल जो सख्त ज़रूरत है लोगों को आज के दौर में, उस काम को अंजाम देने के लिए इन्होंने आज फाउंडेशन का काम शुरू किया है। आज से यहाँ पर लगातार या हफ्ते में एक या दो बार औरत बच्चियों के लिए स्कैनिंग का प्रोग्राम चलेगा, आँखों का इलाज चलेगा, डायबिटिक जो लोग हैं उनको यहाँ से मदद मिलेगी, चेकअप चलेगा और आने वाले दिनों में यहाँ से यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की इंसानियत के लिए जो भी मेडिकल फील्ड में फ़ायदा पहुँचा सकते हैं उन सब कामों को अंजाम देने के लिए डॉक्टर फारूक साहब ने आज का दिन यहाँ पर क्लिनिक का एहतजाज किया है। आज का दिन एक बहुत खुशी का दिन, एक हिसाब से क्या वास्ते बोले तो आशियाना चैरिटेबल ट्रस्ट और ये जो अलमान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट है, ये लोग अच्छा काम तो करते आ रहे थे, आज का दिन एक कदम और आगे बढ़ के गए। क्या आगे बढ़े हैं बोले तो आज से एक नया काम ये शुरू कर रहे हैं, ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाई, अगर दवाई भी देनी है तो उनको फ्री दवाई भी दी जाती है। और मैं इनसे बात करते हुए मेरे को एक बात का पता चला है कि आगे चल के कैंसर टेस्ट भी होंगे। कैंसर जो बीमारी लोगों में थर्ड स्टेज आने के बाद मालूम हो रही है, इसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स की मौत वो फोत हो जाए, इससे पहले अगर टेस्ट अगर करवा लेते हैं, अगर सेकेंड स्टेज तक भी मालूम हो जाता है तो तब ये बीमारी भी क्यूरेबल है, मतलब उसका भी इलाज हो सकता है। तो यहाँ के ये जो हमारे अलमान ट्रस्ट वाले हैं, साथ में उनके लायंस क्लब और रोटरी क्लब के लोग भी इनके साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो हर हफ्ता इंशाल्लाह ये सुनने में आया, वो लोग मेरे से बात करते हुए बताया है कि यहाँ पे ये गाड़ी आएगी जिससे कैंसर पेशेंट्स का कैंसर टेस्ट भी होगा, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। आज हिंदुस्तान में अगर औरतों की मौत हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादातर या तो
हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या तो दूसरा सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವತಿಯಿಂದ ಬಡಪಾಯಿ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೀಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾರು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಸರ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸಹಾರಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ